शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जान रखो कि जो माल गनीमत तुम कुफार से हासिल करो उसमें से पांचवा हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और अहले कराबत और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है, अगर तुम अल्लाह पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक व बातिल में फर्क करने के दिन यानी जंगे बद्र में जिस दिन दोनों फौजों में मुठभेड़ हो गई थी हमने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर दूर के नाके पर और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुय्यन पर जमा होने में तकदीम ताखीर हो जाती, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है जानता है। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया था और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है। और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबले हुए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले। और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनों, जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल कर लो और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा न करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र से काम लो कि अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है। और उन लोगों जैसे न होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं और जो अमाल ये करते हैं अल्लाह उनका इहाता किए हुए है। और जब शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब ना होगा और मैं तुम्हारा रफीक हूँ, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफारा हुई तो पसपा होकर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में बीमारी थी कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब है हिकमत वाला है। और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जाने निकलते हैं कि उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाती हैं और कहते हैं अब आग के अजाब का मजा चखो, ये उन अमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजी है। और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा में उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह जबरदस्त है सख्त अजाब देने वाला है। ये इसलिए कि जो नेमत अल्लाह किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डाले अल्लाह उसे नहीं बदला करता। और इसलिए कि अल्लाह सुनता जानता है। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुठलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया और वो सब जालिम थे। जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और अल्लाह से नहीं डरते, अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनके पसे पुश्त हों वो उनको देखकर भाग जाएं। अजब नहीं कि उनको उससे इबरत हो। और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अहद उन्हीं की तरफ फेंक दो कि इस तरह तुम सब बराबर हो जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। और काफिर ये ख्याल हरगिज न करें कि वो आगे निकल गए हैं, वो हमें आजिज नहीं कर सकते। और जहां तक हो सके फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है हैबत बैठी रहेगी और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा जरा नुकसान न किया जाएगा। और अगर ये लोग सुलह की तरफ मायल हो तो तुम भी उसकी तरफ मायल हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता है जानता है। और
और अगर ये चाहें कि तुमको फरेब दें तो अल्लाह तुम्हें किफायत करेगा। वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तकवियत बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी, और अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते, मगर अल्लाह ही ने उनमें उल्फत डाल दी, बेशक वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। ऐ नबी, अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफी है। ऐ नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमजोरी है। बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। पैगंबर को शाया नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके जमीन में कसरत से खून न बहा दे। तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अगर अल्लाह का हुक्म पहले न हो चुका होता तो जो फिदिया तुमने लिया है उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। अब जो मारे गनीमत तुम्हें मिला है उसे खाओ कि वो तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे कब्जे में यानी गिरफ्तार हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा, और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहेंगे तो ये पहले ही अल्लाह से दगा कर चुके हैं, तो उसने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया, और अल्लाह दाना है, हिकमत वाला है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़े वो, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की वो, आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करें तुमको उनकी रिफाकत से कुछ सरोकार नहीं, और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और जो लोग काफिर हैं वो भी एक दूसरे के रफीक हैं, तो मोमिनों, अगर तुम ये काम ना करोगे तो मुल्क में फितना बरपा हो जाएगा और बड़ा फसाद मचेगा। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं, इनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं, और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म की रूह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ऐ अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है। सो मुशरिको, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो, और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर न मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। और ऐ पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो, कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बस जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो, और उनको पकड़ लो और घेर लो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करने और ज़कात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह का खासकार हो तो उसको पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह को सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुंचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अहद कैसे कायम रह सकता है? हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम यानी खाना काबा के नजदीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहे तो तुम भी अपने कौल करार पर कायम रहो, बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए जब उनका यह हाल है कि अगर तुम पर गलबा पा लें
تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتی ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں۔ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ سو ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہو، ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہیں کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا۔ ہا
حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تم ہتھیار تھوڑے رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اگر مال غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو یہ تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے بیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟ جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔ اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے درمیان شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں، اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں،
और दोजख सब काफिरों को घेरे हुए है। ऐ पैगंबर, अगर तुमको आसाइश हासिल होती है तो इनको बुरी लगती है, और अगर तुम पर कोई मुश्किल आ पड़ती है तो कहते हैं कि हमने अपना काम पहले ही दुरुस्त कर लिया था, और खुशियां मनाते लौट जाती हैं। कह दो कि हमको कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती बजुस उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी हो, वही हमारा कारसाज है, और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। कह दो कि तुम हमारे हक में दो भलाइयों में से एक के मुंतजिर हो, और हम तुम्हारे हक में इस बात के मुंतजिर हैं कि अल्लाह या तो अपने पास से तुम पर कोई अजाब नाजिल करे या हमारे हाथों से तुम्हें अजाब दिलवाए। सो तुम भी इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या नाखुशी से, तुमसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। तुम नाफरमान लोग हो, और इनके खर्च किए हुए मालों के कबूल होने से कोई चीज माने नहीं होती सिवाय इसके कि इन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफ्र किया, और नमाज को आते हैं तो सुस्त काहिल होकर, और खर्च करते हैं तो नाखुशी से। बस तुम इनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना। अल्लाह चाहता है कि इन चीजों से दुनिया की जिंदगी में इनको अजाब दे, और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हो। और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वो तुम्ही में से हैं, हालांकि वो तुम में से नहीं है। असल ये है कि वो डरपोक लोग हैं। अगर इनको कोई बचाव की जगह जैसे कला या गार या जमीन के अंदर घुसने की जगह मिल जाए तो उसी तरफ रस्सियां तोड़ाते हुए भाग जाए। और इनमें बाज ऐसे भी हैं कि तकसीम सदकात में तुम पर तानाजनी करते हैं। अब अगर इनको उसमें से खातिर खा मिल जाए तो खुश रहें, और अगर उस कदर ना मिले तो झट खफा हो जाएं। और अगर वो उस पर खुश रहते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया था, और कहते कि हमें अल्लाह काफी है और अल्लाह अपने फजल से और उसके पैगंबर अपनी मेहरबानी से हमें फिर दे देंगे, और हमें तो अल्लाह ही की रजा मतलूब है, तो इनके हक में बेहतर होता। सदकात यानी ज़कात और खैरात तो मुफलिसों और नादारों और कारकुनाने सदकात का हक है, और उन लोगों का जिनके दिल जीतना मंजूर है, और गुलामों के आजाद कराने में, और कर्जदारों के कर्ज अदा करने में, और अल्लाह की राह में, और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये मसारिफ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और इनमें बाज ऐसे हैं जो पैगंबर को ईजा देते हैं और कहते हैं कि ये शख्स मेरा कान है। इनसे कह दो कि वो कान है तो तुम्हारी भलाई के लिए, वो अल्लाह का और मोमिनों की बात का यकीन रखता है, और जो लोग तुम में ईमान लाए हैं उनके लिए रहमत है, और जो लोग अल्लाह के रसूल को रंज पहुंचाते हैं उनके लिए अजाब अलीम तैयार है। मोमिनों, ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि तुमको खुश कर दें, हालांकि अगर ये दिल से मोमिन होते तो अल्लाह और उसके पैगंबर इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि ये उन्हें खुश करें। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा? ये बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक डरते रहते हैं कि उनके बारे में कहीं कोई ऐसी सूरत न उतर आए कि उनके दिल की बातों को इन मुसलमानों पर जाहिर कर दे। कह दो कि हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो अल्लाह उसको जरूर जाहिर कर देगा, और अगर तुम उनसे इस बारे में दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी करते थे। कहो, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से दिल लगी करते थे? उज्र मत पेश करो, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। अगर हम तुम में से एक जमात को माफ कर दें तो दूसरी जमात को सजा भी देंगे, क्योंकि वो गुनाह करते रहे हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिंस यानी एक ही तरह के हैं, कि बुरा काम करने को कहते और नेक कामों से मना करते, और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं। इन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने इनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक नाफरमान है। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतशे जहन्नम का वादा किया है जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे, वही उनको काफी है, और अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है। तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके हैं, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर और माल औलाद में कहीं ज्यादा थे, तो वो अपने हिस्से से फायदा उठा चुके। सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा चुके हैं उसी तरह तुमने अपने हिस्से से फायदा उठा लिया, और जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे उसी तरह तुम बातिल में डूबे रहे। ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए, और यही नुकसान उठाने वाले हैं। क्या इनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहिम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले? उनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए,
और अल्लाह तो ऐसा ना था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नमाज पढ़ते और जकात देते और अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करेगा, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और अबदी बहिश्तों में नफीस मकानात का वादा किया है। और अल्लाह की रिजामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है, यही बड़ी कामयाबी है। ऐ पैगंबर, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और इन पर सख्ती करो, और इनका ठिकाना दोजख है और वो बुरी जगह है। ये अल्लाह की कसमें खाते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि इन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा है और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और ऐसी बात का कष्ट कर चुके हैं जिस पर कुदरत नहीं पा सके। और इन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवाय इसके कि अल्लाह ने अपने फजल से और उसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से उनको दौलतमंद कर दिया है। सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर होगा, और अगर मुंह फेर लें तो अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा और जमीन में इनका कोई दोस्त और मददगार न होगा। और इनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमको अपनी मेहरबानी से माल अता फरमाएगा तो हम जरूर खैरात किया करेंगे और नेकूकारों में हो जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह ने उनको अपने फजल से माल दिया तो उसमें बुख्ल करने लगे और अपने अहद से रूगर्दानी करके फिर बैठे। तो अल्लाह ने उसका अंजाम ये किया कि उस रोज तक के लिए जिसमें ये अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे इनके दिलों में निफाक डाल दिया, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसके खिलाफ किया, और इसलिए कि ये झूठ बोलते थे। क्या इनको मालूम नहीं कि अल्लाह इनके भेदों और मशवरों तक से वाकिफ है, और ये कि अल्लाह गैब की बातें जानने वाला है। जो मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं और जो बेचारे गरीब सिर्फ उतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई में से भी खर्च करते हैं, उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं अल्लाह उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब तैयार है। तुम इनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो बराबर है, अगर इनके लिए 70 दफा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। जो लोग ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए वो अल्लाह के पैगम्बर की मर्जी के बरखिलाफ बैठ रहने से खुश हुए और इस बात को नापसंद किया कि अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करें, और दूसरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना। इनसे कह दो कि दोजख की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है, काश ही इस बात को समझते। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें और आखिरत में इनको इनके अमाल के बदले जो ये करते रहे हैं बहुत सा रोना होगा। फिर अगर अल्लाह तुमको इनमें से किसी गिरोह की तरफ ले जाए और वो तुमसे निकलने की इजाजत तलब करें तो कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और न मेरे साथ मददगार होकर दुश्मन से जंग करोगे। तुम पहली दफा बैठ रहने से खुश हुए तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो, और ऐ पैगंबर, इनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे। और इनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना, इन चीजों से अल्लाह ये चाहता है कि इनको दुनिया में अजाब करे, और जब इनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों। और जब कोई सूरत नाजिल होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर जिहाद करो तो जो इनमें दौलतमंद हैं वो तुमसे इजाजत तलब करती हैं और कहती हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए कि हम बैठ रहने वालों के साथ हो जाएं। ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहे। इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है सो ये समझते ही नहीं। लेकिन पैगंबर और जो लोग इनके साथ ईमान लाए सब अपने माल और जान से लड़े, इन्हीं लोगों के लिए भलाइयां हैं और यही मुराद पाने वाले हैं। अल्लाह ने इनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, यही बड़ी कामयाबी है। और सहरा नशीनों में से भी कुछ लोग उज्र करते हुए तुम्हारे पास आए कि उनको भी इजाजत दी जाए, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला वो घर में बैठ रहे। सो जो लोग उनमें से काफिर हुए हैं उनको दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। न तो ज़ईफ़ों पर कुछ गुना है और न बीमारों पर, और न उन पर जिनके पास खर्च मौजूद नहीं के शरीक जिहाद हों, यानी जबकि अल्लाह और उसके रसूल से मुखलिस हों, नेकूकारों पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।
और न उन बेसरो सामान लोगों पर इल्जाम है कि जो तुम्हारे पास आए कि उनको सवारी दो, और तुमने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर तुमको सवार करूं, तो वो लौट गए और इस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद न था उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो दौलतमंद हैं और फिर तुमसे इजाजत तलब करते हैं, यानी इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रही, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है, बस वो समझते ही नहीं।